हेलो गाइस, आज मैं हूँ बेबी इज इट का फोर्थ एपिसोड स्टार्ट करने जा रही हूँ। इस स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें बॉस के घर का सीन दिखाया जाता है। इसके बाद हमें बॉस को दिखाया जाता है जो अपने रूम में बात ले रहा होता है। बात लेने के बाद वो बाहर आता है तो उसकी टेबल पे जो है याई और रूर की सारी इंफॉर्मेशन जो निकाली होती है उसकी पेजेस होती है। तो बॉस जो है उनकी सारी इंफॉर्मेशन देख रहा होता है। कोई बॉस के रूम का जो दरवाज़ा जो है वो नॉक करता है तो बॉस कहता है हाँ। तो वो कहता है कि बॉस आपको ना ओल्डर मास्टर आपको स्टडी रूम में जाने के लिए बोल रहे हैं। तो बॉस जो है वो कहता है ठीक है। फिर बॉस जो है वो उसमें जाता है और वो अपने स्टडी रूम को देखता है कि वहाँ पर सारी चीज़ें कितनी अच्छी तरीके से रखी हुई हैं, वहाँ पर सारी चीज़ें कितनी क्लीन और साफ़ सुथरी हैं। उसके बाद जो बॉस है वो अपने ग्रैंडफादर के पास जाता है तो उसके ग्रैंडफादर वहाँ बैठे होते हैं। तो बॉस जाता है तो ग्रैंडफादर कहते हैं हाँ अंदर आओ और यहाँ पे आके बैठो। तो जो बॉस है वो ग्रैंडफादर बॉस जो है वो ग्रैंडफादर को कहते हैं ग्रैंडफादर। तो ग्रैंडफादर कहते हैं हाँ कहो। तो ग्रैंडफादर कहते हैं क्या हुआ, मेरा दूसरा बेटा अचानक से इतना गुस्से में क्यों है, इन्हें तुम्हें इतना परेशान कर रखा है। तुम इस घर के तुम दूसरे पावरफुल चाइल्ड हो, तुम्हें अपनी पावर दिखाने के लिए किसी का वेट करने की ज़रूरत नहीं है। हम इतने नीचे हैं कि हमारे परिवार पर दूसरों की नज़र होती है कि वो हमारे परिवार पर निगरानी रखते हैं कि हम कोई गलती करें और वो उसके बारे में बोले, मीडिया में उछाले। इसलिए मुझे कभी कभी गलतियां सुननी भी पड़ती है लोगों की। वैसे तो तुम मेरे दूसरे बेटे हो पर मेरे लिए तुम बड़े बेटे की तरह ही हो। और वैसे भी तुम कुछ भी करो मैं तुम्हारा हमेशा सपोर्ट करूँगा। तो बॉस कहते हैं हाँ। तो बॉस कहते हैं मैंने किसी ऐसे को चोट पहुँचाने की कोशिश करी है जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। मैंने उसे अभी बस छोटा सा ही सबक सिखाया है उसे याद दिलाने के लिए कि वो क्या है। ग्रैंडफादर जो अपनी चाय नीचे रखते हैं और कहते हैं कि वो हरगिज़ भी हर्ट नहीं हुआ होगा। और वैसे भी जो कॉलेज की जो लड़की जिसे तुम कुछ साल पहले डेट कर रहे थे और वो एक बहुत ही बड़ी सेलिब्रिटी बन गई है, मुझे उसका नाम तो नहीं पता। तो बॉस जो है वो अपने मन में सोचता है कि जो मेरे ग्रैंडफादर है वो मेरी हर चीज़ों पे सारी चीज़ों पे नज़र रखते हैं। ग्रैंडफादर कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम यंग लोगों को खेलने में कितना मज़ा आता है लोगों के साथ। तुम्हें पता है मेरे समय में जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो मैं वेलकम कर रहा था अपने तीसरे बच्चे का इस दुनिया में आने का, और ये तुम्हारा समय है, तुम्हें भी अब से सेटल हो जाना चाहिए। हमारे रिलेटिव में जो क्वीन फैमिली की जो लड़की है वो अब्रॉड से वापस अपने घर आ गई है तो तुम्हें डिसाइड कर लेना चाहिए अपनी शादी की डेट। मैं तुम्हारी शादी उससे कराने की सोच रहा हूँ। ग्रैंडफादर कहते हैं कि जो भी आउटसाइडर लड़की जिसे तुम अभी डेट कर रहे हो उसे तुम ब्रेकअप कर लो। तो बॉस कहता है कि ग्रैंडफादर जो है वो मेरी सारी मूवमेंट पर नज़र रखते हैं। कुछ समय बाद तो ग्रैंडफादर को रूर के बारे में जल्दी ही इन सब चीज़ों के बारे में पता ही चल जाएगा और मुझे सभी चीज़ें ठीक करनी होगी। तो बॉस जो है अपने ग्रैंडफादर को कहता है कि ग्रैंडफादर आई हैव अ सन। तो ग्रैंडफादर कहता है ओ तो क्या ओ अच्छा तुम्हारा सन। तो ग्रैंडफादर कहते हैं क्या तुमने क्या कहा। और जैसे ही उन्हें मुंह में चाय ले रखी हो सारी बाहर फेंक देते और कहते क्या कहा तुमने तुम्हारा सन। तो जो बॉस है वो क्या कहते हैं कि ग्रैंडपा आपने सुना नहीं, मैंने कहा कि मेरा एक बेटा है। तो ग्रैंडफादर कहते हैं मैंने नहीं सुना तुमने क्या कहा, तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो। तो ग्रैंडफादर बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं और कौन है वो लड़की जो प्रेग्नेंट थी, कौन है तुम्हारा लवर, और तुमने अपने बच्चे को कहाँ छोड़ा है, सब चीज़ें मुझे बताओ अभी के अभी। बॉस कहता है मेरा जो सन है वो ठीक है और वो अभी 4 साल का है। तो ग्रैंडफादर कहते क्या 4 साल का यू बास्टर्ड, उसे गाली देता है। तुम्हारे में मुझे बहुत ही ज़्यादा, मैंने तुमसे कहा था कि तुम एक एल्डर सन हो और इस फैमिली के लिए तुम बहुत ही ज़्यादा स्पेशल हो। तुम मेरी बात कभी नहीं सुनते। मैंने तुम्हें कहा था मैं तुम्हें मार डालूँगा, तुम मेरी बात कभी भी नहीं सुनते हो। तुम्हें बॉस कहते हैं ग्रैंडपा आप ये कैसी बातें कर रही है, 21st century चल रही है, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं आज तो ये तो। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि ये जो बॉडी पे निशान है ये तो एल्बर्ट सन का होता है जो हमारे परिवार के लिए बहुत ही स्पेशल होता है। ये जिसकी भी बॉडी पे होता है जो वो बेबी जो होता है वो हमारे जो जनरेशन को आगे ले जाता है, हमारे
जो हमारे जनरेशन को अब आगे सक्सेस तक पहुंचाता है, इसलिए ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और तुम भी इसीलिए हमारी फैमिली के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। और ये जो है ये मेरी बॉडी पे भी है, और ये जो मार्क है ये जो है हमारे जनरेशन के साथ चलता ही आ रहा है। फादर जो है अपने बॉस को कहते हैं कि क्या तुम श्योर हो कि ये तुम्हारा ही एल्बेस्ट सन है? तो जो बॉस है वो कहता है कि हाँ। तो जो ग्रैंडसन तो जो बॉस है वो अपने ग्रैंडपा को कारू की फोटो दिखाते हैं। तो जो बॉस ग्रैंडफादर होते हैं वो कहते हैं ये कितना क्यूट है, वन ये हाफ बोल्ड है, इसका जो ब्लड है वो एक फॉरनर ने हाफ दिया था। तो जो फादर ग्रैंडफादर कहते हैं कि यार तुम्हें पक्का यकीन है कि तुम्हारे ही सन है? तो बॉस कहता है यस ग्रैंडफादर, मुझे पक्का यकीन है। 5 साल पहले अचानक से फादर कहते हैं कि 5 साल पहले ऐसे क्या हो गया कि अचानक ही तुम्हारा मिक्स ब्लड चाइल्ड है? कैसे हो गया? ये कितना क्यूट है, इतना कर्ली हेयर, इसके इतने कर्ली हेयर है कि देखने में बिल्कुल भी तुम्हारी तरह नहीं दिखता है। बॉस कहता है कि ग्रैंडपा मेरी इसकी कुछ वजह है, अभी इस बच्चे के बारे में आपको मैं कुछ भी नहीं बता सकता। ग्रैंडपा कहता है ठीक है, अभी मैं तुम्हारे पास्ट के बारे में कुछ भी नहीं पूछ रहा, लेकिन मुझे सब चीज़ों के बारे में जानना है। तो ग्रैंडपा पूछते हैं अच्छा ठीक है, ये बताओ कि अब ये चाइल्ड कहाँ पर। प्लीज़ गाइस आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मुझे और आगे की वीडियो बनाने में सपोर्ट मिलता रहे, प्लीज़ गाइस। ग्रैंडफादर कहते हैं और तुमने इसकी देखभाल कैसे की? मेरे को बिना पता लगे कि ताकि मेरे को पता ना चले। मेरी टांग के नीचे तुमने ये काम कैसे किया? तो बॉस जो है वो ग्रैंडपा कहता है ग्रैंडपा कहते हैं मुझे सारी चीज़ें बताओ। तो जो बॉस है वो ग्रैंडपा को सारी चीज़ें बताने लग जाता है कि उसके पास्ट में उसके साथ क्या क्या हुआ। फिर बॉस कहता है कि ग्रैंडपा मुझे अपने चाइल्ड को अपने पास लाने के लिए बहुत सी तैयारी करनी पड़ेगी, मेरे एक लौता चाइल्ड को अपने पास लाने के लिए। बॉस कहता है प्लीज़ ग्रैंडपा आप इसमें कोई दखलअंदाजी मत करना, मुझे पता है आपको अपने ग्रेट ग्रैंडसन से मिलने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेचैनी आवेगने हो रही है, पर इस सिचुएशन को मैं संभाल लूँगा। अगर आप कुछ भी करेंगे तो मैं अपने सन से नहीं मिल पाऊँगा। ग्रैंडपा बॉस को कहते हैं कि क्या तुम मेरे ग्रेट ग्रैंड सन को मेरे पास लाओगे? मुझे अपने ग्रेट ग्रैंड सन को देखना है। बॉस कहते हैं ठीक है मैं आपको मिलवा दूंगा। तो ग्रैंडफादर कहते हैं कि ठीक है मैं भी इस चीज़ में अब कोई दखलअंदाजी नहीं करूंगा। तो बॉस के पास फ़ोन आता है, तो जो बॉस है वो फ़ोन उठाता है तो कहते हैं कि बॉस जो मिस्टर याई जो है वो कहीं जा रहे हैं छोटे मास्टर को अपने साथ लेकर। तो बॉस मुझे लगता है वो तो बॉस जो कहते हैं मुझे लगता है वो स्टूडियो जा रहा होगा। तो फिर बॉस कहते हैं कि इतनी रात को वैसे इतनी लेट नाइट कहाँ जा क्यों रहे ये। तो उसके बाद ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म हो जाती है, 4th एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई चैनल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। प्लीज़ गाइज आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेट हो। बाय गाइज फिर मिलेंगे।